हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबको हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये ब्लॉग आ रहा है उसी के उपलक्ष में, पर थोड़ा सा लेट है एक दिन, तो सॉरी उसके लिए। और हम लोग तैयार होके जा रहे थे, जो कि नीचे फंक्शन था हमारी सोसाइटी में, और ये सिया तैयार हो गई है। है तब तैयार हो गए थे ना शिव? हाँ, तो हम जी का इन सब का बहुत सुंदर सा दरबार था, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा था। और लाइटिंग हो रही थी, मैं थोड़ा सा क्योंकि कल ना उस दिन बहुत हवा भी चली थी, आंधी भी आई थी। भाई पवन पुत्र हनुमान जी का बर्थडे है तो उनके पापा थोड़ा सा खुश तो होंगे ही ना। तो फिर हम लोग आए थे, और फिर सिया भी आई थी। हाँ सिया भी आई थी, और हनुमान, ये हनुमान जी हैं। और ये हनुमान जी आ गए थे, और उनकी झांकी बड़ी प्यारी सी झांकी थी, और इन्होंने बहुत सारे गानों पे परफॉर्म किया। तो इतने लंबे से थे, बने थे हनुमान जी ही। तो फिर क्या था कि सब ने फिर बहुत इंजॉय किया, डांस किया। तो इसमें और ये काफ़ी ऐसी प्यारी प्यारी झांकियाँ आती हैं ना, तो बहुत अच्छी लगती है। और अब जो झांकी आई थी तो फिर उनका था राधा कृष्ण की झांकी थी, और ये सिया जिसको मैंने ना चेयर पे बिठा दिया था कि तू बैठ, बट वो कहाँ टिकने वाली थी वहाँ पे, पर वही चीज़ है ना। तो फिर कृष्ण भगवान की आई थी, वो उस पे भी ना उछले जा रही थी, तो उन्होंने फिर उन्होंने गाने पे कान्हा जी के उस पे सॉन्ग पे, और इस तरीके से जब वो खड़े हुए थे ना, बहुत ही अच्छे लगे थे। मेरा तो दिल आ गया था इस पे कि कितना अच्छे से उन्होंने ऐसे स्टेप बाई खड़े हुए थे एक साथ, इतने प्यारे लग रहे थे ना, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और ये इनका अपना डांस चल शुरू हो गया था अपने भाई के साथ, है ना, देख रही थी, तो उसके साथ ही करना था। तो फिर इन्होंने और अब आ गए थे हमारा शिव दल, शिव परिवार, जो जिसमें शिव जी और माँ पार्वती जी ने किया था। तो इनके बाद फिर ख़त्म हो गया था, फिर भंडारा शुरू हुआ। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके गाइस, बाय।